सो हेलो गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है नितिन और आज अगेन आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज कुछ मशीन्स और इंपॉर्टेंट थिंग्स दिखाने वाला हूँ जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नीडेड होती है जिनकी, और उनके बारे में कुछ शॉर्ट्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नेम तो पता होते हैं बट उन्होंने कभी उस चीज़ को देखा नहीं होता है, प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं होता है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको वो सब इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स वगैरह कुछ दिखाने वाला हूँ और उनके थोड़े बहुत यूजेस बताने वाला हूँ कि इस वीडियो को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आपको अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कोर्स करना है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी शुरू करते हैं, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले जो चीज दिखाने वाला हूं वो है O2 सिलेंडर, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये है O2 सिलेंडर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराता है पेशेंट को, तो कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट जो थिंग है वो है CT स्कैन मशीन, जो कि आपके सामने दिख रही है। ये CT स्कैन मशीन है, ये CT स्कैन करती है जो कि किया जाता है इंटरनल इंजरीज में, जबकि जब किसी को इंटरनल इंजरीज होती है तो CT स्कैन के थ्रू पता लगता है। नेक्स्ट जो मशीन है वो है एक्सरे मशीन, वो कुछ इस तरह की दिखती है, जिसमें कि एक्सरे आपको पता है बोन्स में किसी भी तरह का फ्रैक्चर जानने के लिए एक्सरे किया जाता है। नेक्स्ट जो थिंक है वो है बेबी ट्रॉली, ये कुछ इस तरह की है जिसमें कि न्यू बॉर्न बेबी को रखा जाता है। ये इसमें हीटर एज वेल एज ऑक्सीजन होता है इस मशीन में ही फिटेड, तो जिसके थ्रू न्यू बॉर्न बेबी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ O2 हुड, जो कि बेबी को पहनाया जाता है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, स्टमक से इन्वायरमेंट में आता है, बाहर के इन्वायरमेंट में आता है, तो उसे ऑक्सीजन से काफ़ी फेजेस करनी होती है प्रॉब्लम, तो इसलिए ये हुड यूज़ किया जाता है। OT में यूज़ होने वाला मॉनिटर है, जैसे कि कोई भी लैप्रोस्कोपी की सर्जरी होती है तो ये इस मॉनिटर में देख कर की जाती है। तो अभी ये सियाम का मॉनिटर है, तो अभी मैं आपको सियाम मशीन दिखाता हूँ, इसके बाद पहले उसका मॉनिटर दिखा दिया। ये हमारी सियाम मशीन, ये कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, जो कि यूज़ होती है लाइव एक्सरे शो करने में। ये OT में यूज़ होती है मोस्टली, ये इसके दो पार्ट होते हैं जो कि लाइव एक्सरे शो करते हैं, ठीक है। ये हमारी सियाम मशीन है OT की, जिसका मॉनिटर मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। नेक्स्ट दो थिंग है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है OT में, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि है ये ऑटोक्लेव मशीन, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स को स्टाइल किया जाता है रीयूज़ के लिए। देखो एक इंस्ट्रूमेंट एक इतनी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ है जो कि बार बार नहीं खरीदी जा सकती, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट को स्टाइल इन मशीनों में किया जाता है। नेक्स्ट जो थिंग है वो आपको पता ही होगी, ये है पेशेंट बेड, जो कि जिसमें कि पेशेंट को हॉस्पिटल्स में रखा जाता है। ये बेड पूरे ऑटोमेटिक होते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस बनाई जा सकती है। ये है हमारी एनेस्थीसिया मशीन, जो कि हमारे ऑपरेशन थिएटर में यूज होती है, ठीक है। ये पेशेंट को अनकॉन्शियस लेवल में पहुंचाने के काम आती है, ये कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ये पूरी हमारी एनेस्थीसिया मशीन है, दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्रैश कार्ड है OT का, देखो ये इसमें सारी इमरजेंसी ड्रग के साथ साथ सारी जनरल यूज़ की ड्रग्स भी होती हैं, इमरजेंसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी में यूज़ होते हैं। तो ये हमारा क्रश कार्ट है OT का। जो चीज़ है ये हमारी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, जो कि हमारे OT में यूज़ होती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, जो कि इंस्ट्रूमेंट रखने के और मेडिसिन रखने के काम आती है जब भी हमारा कोई पेशेंट आता है, ठीक है। तो इसमें हम मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। ये हमारा सक्शन मशीन है, जो कि आपको नाम से पता लग रहा है सक्शन, जो ये हमारी शक करता है किसी भी बॉडी में, किसी भी तरह के फ्लूइड को शक करके बाहर निकालता है बॉडी से, बॉडी वेस्ट को, ठीक है, बाय माउथ या जैसे किसी का कोई सलाइवा अटक गया या कुछ भी कोई चीज़ होती है बॉडी में, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट ब्लड होता है, उसको शक कर लेता है। ड्यूरिंग सर्जरी भी ये यूज़ होता है और नॉर्मली भी ये यूज़ होता है, काफ़ी मेन चीज़ है। हमारा बॉयलर है, जो कि हमारे OT में NS लाइन वाइन को गर्म करने के काम आता है, क्योंकि देखो विंटर्स में ठंडा स्लाइन अगर हम पेशेंट की बॉडी में डालते हैं और टेम्परेचर भी ठंडा रहता है तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, या ओल्ड एज किसी पेशेंट को ठंडा फ्लूड नहीं देते क्योंकि उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये बॉयलर यूज़ किया जाता है जिससे कि गर्म फ्लूड पेशेंट की बॉडी में जा सके। ये देखिए नेक्स्ट है जो हमारा, ये है ECG मॉनिटर हमारा, जो कि हमारा ECG बताता है, SpO2 लेवल बताता है, रेस्पिरेटरी लेवल बताता है, BP बताता है, पल्स रेट बताता है, ये सब चीज़ें ये मॉनिटर बताता है हमें, जो कि OT में और नॉर्मल वार्ड में या हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़ है हॉस्पिटल की। नेक्स्ट जो हमारी मशीन है कॉटरी मशीन, जो कि कटिंग और कॉक के यूज़ के लिए की जाती है, ये मोस्टली OT में यूज़ होती है, ठीक है।
तो ये कटिंग और कॉक करने के बॉडी में काम आती है, ठीक है, ओटी में यूज होती है। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको ये मशीन, इसके यूजेस के लिए मैं स्पेसिफिक एक पूरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके काफ़ी सारे यूज़ किए जाते हैं। ये हमारी मेन है ओटी की, सबसे ओटी टेबल जो कि कुछ इस तरह से होती है, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, ये मूवमेंट भी करती है लाइक ऐसे, देखो मैं आपको दिखा के करके दिखाता हूँ। ये हमने ऑन करी, ये अप डाउन हर तरह की मूवमेंट लेती है, देखो टेंडल बक, ठीक है, लेटरल, ठीक है, तो ये हर तरह से पोजीशन लेती है, ठीक है, ये ओटी की टेबल होती है, सारी पोजीशन है लेती है। नेक्स्ट जो थिंग है वो आपको दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक टूर्निकेटर जो कि हेल्प करता है ऑर्थो की सर्जरी में, यूज़ होता है ब्लड को स्टॉप करने के लिए। जब आपको डिटेल्स में कभी बताऊंगा, क्योंकि अभी शॉर्ट में मैं आप खाली इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहा हूँ हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले। तो ये है इलेक्ट्रिक टूर्निकेट, और ये मैनुअल भी आता है जो कि हैंड से यूज़ किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफिब्रिलेटर जो कि आपको देख के पता लग रहा होगा ये क्या है, किस यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक वगैरह कुछ आता है, हार्ट से रिलेटेड जब उसकी पंपिंग स्टॉप हो जाती है, तो तब इसे एट द लास्ट मोमेंट में यूज़ करते हैं करंट शॉक देने के लिए, ठीक है। तो ये मशीन कुछ इस तरह की होती है, तो आप इसे देख लीजिए जिसने नहीं देखी है, और ये ओटी में भी यूज़ होती है और मैनुअली पूरे हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे कहते हैं लैरिंजोस्कोप, जो कि इंट्यूबेशन में हेल्प होता है, इसमें टॉर्च भी होता है, देखो ये रहा इसका टॉर्च जो कि एयरवे देखने के काम आता है, ठीक है, इंट्यूबेशन में हेल्प होती है इनसे। ये है स्किन स्टेपलर जो कि यूज़ होता है आजकल हॉस्पिटल्स में, सूचरिंग की जगह इसको प्रेफर किया जाता है, देखो स्टेपलर है ये, सूचर नहीं करते हैं आजकल लोग, स्टेपलर से किसी भी वुंड को कवर करने के लिए स्टेपलर कर देते हैं बॉडी पे या स्किन पे, सॉरी बॉडी पे नहीं स्किन पे, जिससे कि सूचर की नीड नहीं होती है। तो ये कुछ इस तरह का होता है स्टेपलर, देख लीजिए। हमारा ऑक्सीजन मास्क देख लीजिए, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा ऑक्सीजन मास्क का यूज़, जो कि ऑक्सीजन देने को में यूज़ होता है पेशेंट को, मशीनरी के द्वारा मतलब मशीन्स के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं इस मास्क के थ्रू से, ओके। ये देखिए, ये हमारे आई जेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, इस पर मेंशन है 2.5 का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, ये भी यूज़ होते हैं डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशंस में आई जेल्स, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से होते हैं ये आई जेल्स, ठीक है। नेक्स्ट तो थिंग है ये है देखो ओटी की लाइट्स, जो कि सर्जरीज में यूज़ होती है, आपने देखा होगा टीवीज में या मूवी शोज़ में, आज मैं आपको रियल में दिखाता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरह से ऑन होती है, यहाँ पे इसके स्विच होते हैं, अभी ये ऑन हो गई, कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। ओटी में दो दो लाइट्स होती है, तो ये है लाइट्स ओटी की, जो कि सर्जरी में ईजिली दिखाती है, परफॉर्म कराती है, देखो इस तरह से फोकस मारती है ये सर्जरी पार्ट पे। हमारा लैप्रोस्कोपी मॉनिटर जो कि लैप्रोस्कोपी की सर्जरी में यूज़ होता है, ये देखो ये है, इसकी LED लाइट्स वगैरह सोर्सेज में कनेक्ट होते हैं, लाइट केबल, डेफिब्रिलेटर जो कि CO2 पेशेंट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, प्रेशर वगैरह फ्लो इसमें सब कुछ मेंशनड होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मॉनिटर है, ये लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होता है, लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा नहीं सकता, कभी दिखाऊंगा। और इसके साथ ये सिलेंडर फिट रहता है 24/7। तो चीज़ है, ये हमारी सिरिंज पंप है, देखिए कुछ इस तरह से होते हैं सिरिंज पंप, ठीक है, आपने देखे होंगे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में, और इनका यूजेस भी आपको काफ़ी अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसमें इंस्ट्रक्शन भी हैं कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन देने के यूज़ में आता ही है, कोई भी मेडिसिन जो कि काफ़ी हैवी होती है उन चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं सिरिंज पंप्स को, ओके। तो नेक्स्ट जो थिंग है ये हमारा स्ट्रेचर, जो कि पेशेंट को शिफ्ट कराने में काम आता है, फ्रॉम जनरल वार्ड टू सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर और वट एवर एनी हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए स्ट्रेचर का यूज़ किया जाता है। नाउ जो थिंग है ये हमारी ग्लूकोमीटर सेट है, जिससे कि हम अपनी RVS मतलब कि ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं इस मशीन के थ्रू मैनुअली, ठीक है। अब मैं छोटे मोटे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहा हूँ, लाइक जैसे ये हमारा स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप आपको पता होगा किसी के हार्ट बीट के लिए, हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ये हमारा है BP मशीन, जो कि हमें इलेक्ट्रिक BP मशीन, जो कि हमें BP हमारा ब्लड प्रेशर बताती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थिंग है ये है ऑक्सीमीटर, जो कि आपको आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल आपको बताता है, ये नॉर्मली इसमें फिंगर पुट करके
हम अपना ऑक्सीजन लेवल जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मशीन दिखा रहा हूँ, ये है हमारी ईसीजी मशीन, जो कि हमारे हार्ट में हो रही मूवमेंट्स को बताता है, मतलब कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये इसकी लीड्स हैं, देखो ये इसमें कुछ लीड्स होते हैं जो इस हमारी बॉडी में कनेक्ट की जाती है चेस्ट एरिया पे, और जिसके थ्रू हमारा रिजल्ट निकलता है कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अब जो है ये मैं आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ बता रहा हूँ, ये है व्हील चेयर, इसे कहते हैं व्हील चेयर, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है पेशेंट्स को शिफ्ट कराने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से हॉस्पिटल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, और अपनी तरफ से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट्स और हॉस्पिटल नीडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल से कनेक्ट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।